not a game. It's a redstone.黑边比较窄。हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस आपको पता ही होगी, पहले हमने Redmi Note 13 Pro Plus की अनबॉक्सिंग की थी, उसके बाद प्रो की अनबॉक्सिंग की थी। अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 13 की। 5G स्मार्टफोन है और गाइस ये मिड रेंज स्मार्टफोन रहने वाला है। और गाइस आपको खरीदना होती ये फोन की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो। 5G स्मार्टफोन है, आज इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट रिव्यू और फर्स्ट इंप्रेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट की। तो गाइस यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है Redmi Note 13 का, और रैपर हटा लेते हैं और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं यहाँ पर एक और इसके अंदर हमें केस देखने को मिलता है। एक बार ओपन कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर केस को डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर टूल भी आपको साथ में देखने को मिल जाता है। रबर केस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और अच्छा काम किया है मॉड्यूल। आप कैमरे के मॉड्यूल देख सकते हो क्या क्या इसके अंदर। आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, 8 to 6 केबल और प्लास्टिक बॉडी यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। मतलब सभी प्लास्टिक यूज़ किया गया है और यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी देखने को जाती है, कोई मेटल का कोई भी देखने को नहीं मिलता है। थिकनेस की बात करें, यहाँ पर 7.6 mm थिकनेस, 173 ग्राम का ये फोन। व्हाइट मिडनाइट ब्लैक टाइम ब्लू में ये फोन आता है। IP54 रेटिंग के साथ डस्ट प्रूफ ये स्मार्टफोन है। और गाइज मतलब फोन के कैमरे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 MP का कैमरा फर्स्ट कैमरा देखने को मिल जाता है। 2 MP का यहाँ पर डेप्थ कैमरा, LED फ्लैश लाइट और इमेज रिजोल्यूशन आप देख सकते हो। और यहाँ पर शूटिंग कर सकते हो। हाई डायनेमिक रेंज आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, टच ऑन स्क्रीन और यहाँ तक कि भाई 30 FPS तक की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर। फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती हैं और ये थोड़ा बम्प आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आ गया ब्लास्टर माइक्रोफोन और 3.5 mm का जैक। और यहाँ पर स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो गाइस दोनों फोन है जो कि भाई आपको नोट प्रो देखने को मिल जाता है। यहाँ 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है और 20:9 तक 403 PPI देखने को मिल जाता है। कोरोना ग्लास V5 देखने को मिल जाता है, पंच होल कैमरा। और यहाँ तक 1000 nits तक की ब्राइटनेस और 120Hz की रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाती है। और मल्टी टच भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। और गाइस बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो जो भाई सारे कुछ लाइनअप है हमारे पास, जो कि भाई ये तीनों चार लाइनअप आए हुए हैं। और गाइस फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 16 MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे के साथ आप कर सकते हो। और गाइस भाई जो कैमरे की और बात आए, तो यहाँ पर स्टोरेज 128 GB स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। और गाइस यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ 108 MP कैमरा, लेकिन ये 108 MP कैमरा नहीं है, ये इंडिया में आएगा तो भी आपको ये 100 MP कैमरा ही देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। लाउड स्पीकर, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं। लाइट सेंसर, अप्रोक्सीमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और कंपास, जायस्कोप, यहाँ पर सभी प्रकार के आपको सेंसर स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस थोड़ा अभी आपको स्मार्टफोन का मॉड्यूल जो देख सकते हो, सेटअप जो कि है भाई सब कुछ यहाँ पर, ये सभी फ़ोन ये लॉन्च हुए हैं। और ये लाइनअप अभी Redmi का जो 13 सीरीज़ का लाइनअप है, ये सभी प्रकार फ़ोन ये लॉन्च हुए हैं। आप देख सकते हो सभी फ़ोन हमारे पास हैं। और ये भाई जो हमारा फ़ोन है ये है जो कि भाई Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन है, जो कि आप देख सकते हो मतलब क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर फोन की बात करें, MediaTek Dimensity 6080 यहाँ पर देखें, ऑक्टा कोर 64 bit 6 nanometer पर चलने वाला, 6 GB रैम, LPDDR4X यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और गाइस बात करें तो इसकी भी और भी कुछ स्पेसिफिकेशन के लिए, मतलब इस स्मार्टफोन के अंदर आपको MediaTek का जो भी प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर, आप आसानी से इसके अंदर गेमिंग भी कर सकते हो। नेटवर्क GSM+GSM देखने को, डुअल सिम देखने को जाती है, नैनो सिम सपोर्ट का 5G 3G 4G यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई देखने को मिल जाता है, मोबाइल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ 5.3 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर GPS भी आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। FM रेडियो अभी तक कन्फर्म नहीं है भाई, मतलब कंफर्म अभी भाई कम करें, लेकिन FM रेडियो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कैपेसिटी की बात करें, 5 mAh की बैटरी और जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, 33 वोल्ट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। USB Type-C इसको इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो स्मार्टफोन के अंदर। और गाइस यहाँ पर भी ये था लाइनअप सभी प्रकार का Redmi का।
तो गाइस आपको रेडमी का लाइनअप कितना बढ़िया लगा हमें एक बार कमेंट करें जो बताना। सबसे फेवरेट कलर आपको कौन सा लगा है जो कि भाई रेडमी नोट 13 के अंदर 5G के अंदर जिसकी भाई आपको PMW डीमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग के साथ हर एक चीज़ में वीडियो एमोलेड स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला देखने को मिल जाता है कम रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और रेंज के हिसाब करें तो गाइस ये मुझे 15,000 से नीचे नीचे लग रहा है कि आ सकता है। अगर ये 15,000 के नीचे नीचे आ गया तो दासू फोन होगा क्योंकि गाइस इस रेंज के अंदर और सभी प्रकार के एमोलेड स्क्रीन PMW डायनेमिक ये सभी प्रकार के फोन देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादातर फोनों के अंदर। तो गाइस देखते हैं रेडमी का ये फोन भारत में कब लॉन्च होता है और गाइस आपको ये फोन में कौन सा कलर सबसे फेवरेट लगा और कौन सा सबसे पसंद आया हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और जाने से पहले भी चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। बहुत से लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।